सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। घर का ड्राइवर मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पर था तो पापा ने मुझे छोड़ने चले गए। पापा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगाता था। आज 20 मिनट में कैसे मुझे ड्राइवर पर शक हुआ, क्योंकि वह रोज़ मुझे रास्ते में बिस्कुट खिलाता था। अगले रोज़ ड्राइवर मुझे स्कूल छोड़ने गया तो मैंने बिस्कुट नहीं खाया। अभी 5 ही मिनट हुए थे कि उसने गाड़ी रोककर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे जल्दी में हो। आज मम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था, जिस वजह से मुझे देर हो गई थी। ड्राइवर भी तेज गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझसे विनती करने लगा और अंदाज में कहा बिस्कुट खा लो, आज अच्छी जगह से लाया हूँ, देखो। ये बहुत मज़े की ही मुझे घबराहट होने लगी, न जाने उस बिस्कुट में क्या था। मुझे खाते ही चक्कर आने लग जाते थे। ड्राइवर जबरदस्ती करने लगा कि बस 1 बिस्कुट खा लो, ये बहुत मज़े का है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और ज़ोर से आवाज़ लगाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है। नहीं, ड्राइवर तो बस मुझे बिस्कुट खिलाने के लिए विनती कर रहा था, मगर मैंने बिस्कुट नहीं खाया था। घर आने पर मम्मी को बताए बगैर ही मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम में जब मेरी आंख खुली तो मैं आराम महसूस कर रही थी, जो अक्सर बिस्कुट खाने के बाद मैं नहीं कर पाती थी। मेरा पूरा दिन सर चकराता रहता था। मुझे सोकर उठने के बाद मुझे सर भारी महसूस होता था, लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ बिस्कुट खाने की वजह से ही होता है। मैंने ये बात किसी को भी ना बताई थी। अगले दिन ड्राइवर ने स्कूल छोड़ने गया तो 1 घंटा 15 मिनट लगाए और आज ज़्यादा देर तक मुझे गाड़ी में छोड़कर चला गया। मैं उसका इंतज़ार करते करते वहाँ से निकलकर खुद चलने लगी। अचानक से मुझे कोई पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगा। आवाज़ से ये महसूस हुआ कि वह तो मेरा ही ड्राइवर था, जो मुझे ज़बरदस्ती 1 बिस्कुट के बजाय मैं 2 बिस्कुट खिला रहा था। मैंने आवाज़ लगाना चाही, लेकिन उसने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और मुझे ज़बरदस्ती से बिस्कुट खिलाने लगा। बिस्कुट खाते ही मैं अपने होश हवास खो बैठी। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आँख खुली तो मम्मी ने कहा ड्राइवर तुम्हें घर ले आया था, तुम बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। जो मेरे दिमाग में चल रहा था सब वैसा ही था, यानी कि ड्राइवर मेरे साथ। ओह, मैंने इस बारे में मम्मी को कुछ ना बताया, बल्कि ये भी नहीं बताया कि ड्राइवर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती बिस्कुट खिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे तो खुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया था। अगले सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि ये सब दोबारा महसूस करना नहीं चाहती थी। लेकिन स्कूल जाने पर ड्राइवर मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछने लगा, बेबी जी आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? मम्मी ने बहुत गुस्से से आवाज़ दी और खड़े होकर ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर की आवाज़ से मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और चुप रही। फिर ड्राइवर मुझसे कहने लगा, बेबी जी मैं आपके लिए 1 बिस्कुट लाया हूँ। मैं तो शक और बेबसी से अपने होंठ कुतरने लग गई थी और दिमाग में ड्राइवर के लिए शक बनाने लगी और उसकी तरफ देखने लग गई थी। मैंने कहा मुझे एक एक चीज़ ठीक से याद तो नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैंने कहा, ड्राइवर ने बहुत आम से शब्दों में कहा। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें तो कल की याद नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ना बोला। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी, इस वजह से मैंने बिस्कुट ले लिया और ये सोचे बगैर कि उसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने मुझे वह बिस्कुट बहुत प्यार से दिया था, इसलिए एक बार फिर से मैंने वह बिस्कुट खाने की गलती कर ली। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन ड्राइवर के साथ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, वह भी मेरे बारे में, क्योंकि मैंने उसके मुँह से सुना था कि हाँ बिस्कुट खिला दी है, आज भी खिला दो फिर बताता हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था। इतने में मम्मी मेरी आवाज़ देने लगी थी, बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, लंच के बाद खा लेना, तुम्हारे लिए डॉक्टर से खास तौर पर मंगवाई थी, बस भगवान तुम्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, तुम्हारी आँखों को जल्दी से ठीक कर दे, तुम देखने लगो। मैं दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि ड्राइवर क्या करता है, आखिर मैं पता लगा कर ही रहूँगी। 15 मिनट से एक ही जगह पर गाड़ी खड़ी थी, इसलिए उसका पीछा ना कर सकी। मैं इधर उधर सहारा लेती गाड़ी से निकलने लगी। कम से कम मैं ये तो पता लगा सकूँ कि आखिर मैं हूँ कहाँ, किस जगह पर।
कहीं दूर से ड्राइवर की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं ज़्यादा करीब भी नहीं जा सकती थी वरना ड्राइवर मुझे देख लेता, और कहीं मैं उसे ना देख पाती तो ड्राइवर की ना आवाज़ सही आ रही थी और ना ही महसूस हो रहा था कि मैं कैसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे ड्राइवर दिख नहीं सकता। लेकिन मेरा पता लगाना भी बहुत ज़रूरी था, आखिर ड्राइवर क्या करता है। दूर से कहीं धुआं सा महसूस हो रहा था, मुझे लगा शायद ड्राइवर सिगरेट पी रहा है, और अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि कहीं नशा तो नहीं करता। और उस दिन शायद साथ और कुछ हुआ था जो उस दिन बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद नहीं था, तो कहीं उसने मेरे साथ नशे में कुछ किया तो नहीं था। मैं अपनी आँखों से देख नहीं सकती थी क्योंकि मैं अंधी थी, और मैं कहीं भाग भी नहीं सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिस तरफ मैं जा रही हूँ उस तरफ ड्राइवर होगा भी या नहीं और मुझे कहीं देख ना ले। वह धुआं बढ़ता ही जा रहा था, ड्राइवर की आवाज़ और करीब से आने लगी, बल्कि ड्राइवर के साथ साथ ऐसा महसूस हुआ था कि कोई और भी है उससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आया और मैं वापस अपनी गाड़ी के तरफ बढ़ने लगी। इधर उधर से सहारा लेकर मैं थोड़ी देर के बाद आखिर अपनी गाड़ी के पास पहुँच गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया था। बेबी जी, आपकी सांसें क्यों फूल रही है? कुछ नहीं अंकल जी। वैसे आप गाड़ी छोड़कर कहाँ गए थे? मैंने डरकर कहा। इतनी देर क्यों हो गई आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं बेबी जी, अपने बच्चों के लिए दवाई ले रहा था, गरीब बच्चे तो बस बीमार होते हैं। ये कहते ही उसने जेब में हाथ डाला, जिसकी वजह से चुरुरमुरुर की आवाज़ आने लगी। साथ ही मुझे उसने बिस्कुट पकड़ा दिया। उसकी आवाज़ से और उसकी बात करने के अंदाज से ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ था कि उसने कोई सिगरेट पिया है, नशा किया है। लेकिन उसकी इस बात पर मेरा शक और बढ़ गया था कि हो ना हो ड्राइवर ने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि जिस जगह पर ड्राइवर खड़ा था उसकी हल्की फुल्की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी अच्छे से। और यही नहीं, उस जगह पर धुआं भी उठ रहा था। सिगरेट तो नहीं पीता होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि हर गरीब अपना गम मिटाने के लिए यही करता है, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं। मैं खुद ही दिल में सवाल करती और खुद ही जवाब निकाल लेती, लेकिन इधर उधर वह किसी से बात भी तो नहीं कर रहा था। मुझे अचानक याद आया, कहीं उसे किसी ने नशे में तो नहीं फंसा दिया है? बेबी जी, आपको क्या हुआ और आप कहाँ गुम हैं? आपको भूख लग रही होगी ना, लो ये बिस्कुट खा लो। आप मुझे बिस्कुट क्यों देते हैं अंकल जी? आखिरकार मेरे मुँह से निकल ही गया। उस दिन जब मैं बेहोश हो गई थी तब आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी ना, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था। मैंने बदतमीजी कब की? टूटे फूटे शब्द में ड्राइवर ने कहा। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि मुझे खुद हकीकत नहीं मालूम थी। आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं अचानक से चुप हो गई। ये मेरी तबीयत के बारे में उनको कैसे पता चला? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को नहीं बताया था। इसका मतलब बिस्कुट में ज़रूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैंने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछा। अरे, आपकी आंखों के बारे में पूछ रहा हूँ, कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? आपकी आंखों का इलाज चल रहा था ना? फर्क तो कुछ भी नहीं अंकल जी, बस थोड़ा थोड़ा सा पड़ा होगा, ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। नहीं, मम्मी ने जो दवाई दी थी मैं रोज़ खाती हूँ, मगर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्यों गलत सोच रही थी ड्राइवर के बारे में, जबकि वह कितना अच्छा है? मैंने खुद से सवाल करने लगी थी, शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी। ये सोचते ही मैंने ड्राइवर से बिस्कुट मांगा और थोड़ा सा खा लिया। रास्ते में ही गाड़ी पंचर हो गई और हमें कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अब हमें इंतज़ार करना था और काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मेरा सर चकराने लगा। मेरी हालत देखकर ड्राइवर सुन्न हो गया, क्योंकि उससे पहले कभी भी मेरी यह हालत ड्राइवर ने नहीं देखी थी। ड्राइवर परेशान हो गया और जल्दीबाजी में गाड़ी ठीक होते ही मुझे घर ले गया। उसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे ड्राइवर स्कूल नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे पापा ने स्कूल छोड़ने जाते थे। और मैंने पापा से पूछा, ड्राइवर कहाँ है? पापा ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ। कुछ दिन बीत गए, उसके बाद ड्राइवर जब मुझे छोड़ने गया तो उसने 20 मिनट में ही मुझे पहुँचा दिया था। मुझे हैरानी हुई थी, कैसे हो गया? ये पहली बार था कि ड्राइवर ने मुझे 20 मिनट में ही छोड़ दिया था, और साथ ही उसने मुझे बिस्कुट भी नहीं दिया था। ऐसा 1 हफ्ते तक होता रहा, तो आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, अंकल अब मुझे आप 20 मिनट में कैसे छोड़ देते हो और मुझसे बिस्कुट के लिए भी नहीं पूछते? ड्राइवर ने बता दी कि बेटा, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था, आपके पापा ने कहा था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी स्कूल आपको पहुंचा देता हूं और बिस्कुट लेने का भी टाइम नहीं होता। मुझे ड्राइवर की इस बात से कोई तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए अब मैंने ठान लिया कि मैं अपने साथ अपने दोस्त को लेकर जाऊँगी।
वह भी बिल्कुल चुपके से, ताकि इस मामले का पता लग सके। अगले कुछ दिन मैंने दोस्त को चुपके से डिग्गी में बिठा देती थी। इतना टाइम ड्राइवर को क्यों लगता है, पता तो चल सके। और क्या वाकई में गाड़ी रोकता था और वाकई कुछ गलत कर रहा था, इन सब सवालों के जवाब के लिए मैं अपने दोस्त को ले गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना तो ड्राइवर छोड़ने में देरी लगाया था और ना ही मुझे बिस्कुट खिलाता था। मुझे शक था ड्राइवर ने देख ना लिया हो मुझे दोस्त को गाड़ी में छुपाते हुए। एक हफ्ता हो गया इस बात को, लेकिन उस एक हफ्ते में मुझे अपनी तबीयत में थोड़ा सा फ़र्क समझ में आया। ना मेरा सर चकराया था और ना मुझे दर्द था, बल्कि मैं तो फ्रेश महसूस कर रही थी। क्या ये सब इसलिए कि मैं बिस्कुट नहीं खा रही थी? बहुत सारे सवालों के जवाब थे, अब मुझे उन सब के जवाब चाहिए थे। मैंने एक हफ्ते की स्कूल से छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि घर में मेरी बड़ी बहन की शादी थी। उसमें सभी मेहमान को बुलाया गया था, साथ ही घर में दो कुकिंग, खाने बनाने वाले, हमारे काम करने वाले नौकर, क्योंकि ये सभी हमारे घर के हिस्सा थे। शादी की रस्में शुरू हुई तो ऊपर के मंजिल पर शोर सा मचा। हम सब ऊपर को भागे जहाँ तेज आवाज़ आ रही थी। शायद ड्राइवर की किसी से लड़ाई हो रहा था। ड्राइवर की आवाज़ से लगता था किसी को बस कत्ल करने की देरी थी। सब ड्राइवर से पूछने लगी कि आखिर वजह क्या है। इतनी देर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई, लेकिन ये थप्पड़ किसको पड़ा था? अब पापा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुम होते कौन हो मेरे खास मेहमानों से लड़ने वाले? तुम्हें जिंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे बच्चे को मैंने पढ़ाया, और तुम इतने एहसान फरामोश आज मेरे घर पर बुलाए हुए मेहमानों से ही लड़ाई कर रहे हो, वह भी गिरेबान पकड़कर। मुझे सब समझ में आ गया, पापा ड्राइवर को ही डांट रहे थे, लेकिन ड्राइवर किससे लड़ रहा था? मेरी समझ से बाहर था, आँख से अंधी थी, कैसे देख सकती थी? आप उसको नहीं जानते साहब जी, ये बहुत गंदा आदमी है, आपको कैसे सच बताऊँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, ड्राइवर ने बहुत गुस्से से कहा था। दफा हो जाओ यहाँ से, समझ आई? पापा की आवाज़ में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। तुम जानते भी हो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? रोहन साहब मेरे खास मेहमान, तुम्हें पता है उनके भाई ने ये सब हमें डीलिंग में दिया था, हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया था। रोहन साहब के भाई ने अपने घर में राय मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला किया था, लेकिन तुम गरीब कहाँ जानोगे? ये बात पापा के मुंह से पहली बार निकली थी, शायद इसलिए क्योंकि रोहन अंकल के भाई रवि अंकल का हम पर वाकई बहुत बड़ा एहसान था। नहीं साहब जी, ये इतने अच्छे नहीं जितने आप समझ रहे हैं। ये झूठा आदमी रोज हनुमान मंदिर पर ढोंगी बाबा बनकर बैठता रहा। अच्छा ये तुम्हें किसने बताया? तुमको हम काम के सिवा जाने कहाँ देते हैं, जो तुम्हें पता हुआ? पापा ने बड़े गुस्से वाले अंदाज में कहा। साहब जी मैं आपको अगर एक सच बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ड्राइवर की आवाज़ कुछ डरी हुई महसूस हुई थी। तेरा और क्या कहना रह गया है, तू क्या बोलेगा? अब बोल। पापा तो गुस्से से लाल हुए जा रहे थे, उनकी आवाज़ महसूस कर रही थी कि पापा जितना गुस्सा कर रहे थे वह गुस्से से बिल्कुल लाल हो गए होंगे। दरअसल बेबी जी, जब बिस्कुट ड्राइवर की जवान लड़खड़ा रही थी, बिस्कुट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दफा हो जा, बाकी तूने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ड्राइवर अब चुप था, वह कुछ भी बोल नहीं रहा था। मैं सोचने लगी डर के मारे अब क्या कहेगा। जो तमाशा बनना था बन गया। उस टाइम पापा भी गुस्सा पी कर रह गए, ऐसा महसूस हुआ था। मैंने कहा रुक जाइए पापा, बिस्कुट क्या बताएं आप? क्या बिस्कुट में? उसने जल्दी से कहा। बेबी जी, जो आपको मैं बिस्कुट खिलाता था वह मुझे यही देता था, वह जो मैं लेट छोड़ता था वह भी इसी की वजह से। मैं गाड़ी रोक कर उस ढोंगी बाबा के पास जाता था, तब बिल्कुल चुप होकर उस ड्राइवर की बात सुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें? ये अच्छा खासा इंसान नहीं दिख रहा जो अपनी सफाई पेश करने के लिए उसको बाबा बना दिया? मेरे पापा तो गुस्से में लाल हुए जा रहे थे। नहीं आप एक बार मेरी बात सुनिए साहिब, ड्राइवर ने जल्दी से बोला। मैं बेबी जी के इलाज के लिए इस बाबा के पास जाता था, ये मुझे बिस्कुट पर कुछ पढ़ कर देता था और कहता था कि इस बारे में तुम घर वालों को कुछ भी नहीं बताओगे वरना लड़की की जान को खतरा होगा। ये टोटका रोज करता था और एक दिन बेबी जी ने बिस्कुट नहीं खाया तो इस ढोंगी बाबा ने मुझे कहा आज उसे तुम दो बिस्कुट खिलाओ और ना खाए तो ज़बरदस्ती मुंह में डाल देना वरना तुम्हारी बेबी जी की आँख कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन उस दिन जो बिस्कुट खिलाने पर बेबी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने सोचा वैसे ही हुई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले गाड़ी खराब हो जाने की वजह से बेबी जी को इंतज़ार करना पड़ा था। तब मैंने बेबी जी की दोबारा बिगड़ती हुई हालत देखी थी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं अगले दिन उस बाबा के पास बेबी जी को स्कूल छोड़ने के बाद गया।
वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझे वहाँ बाबा भी नज़र नहीं आया, तो मैंने उस सब लोगों के पास चला गया। वहाँ खड़े लोगों से मैंने कहा, तुम्हें पता है कि यहाँ एक बाबा होते हैं जो बिस्कुट पर कुछ पढ़कर देते हैं? वे कहाँ हैं? सब मेरी तरफ देखकर कहने लगे, कौन बाबा? हमने तो इधर किसी बाबा को नहीं देखा है अभी तक जो पढ़कर कुछ करते हों। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस दिन के बाद से मैंने ना ही बिस्कुट दिया बेबी जी को और ना ही देर से स्कूल छोड़ा। और आज मुझे वे इधर नज़र आया तो मैं पहचान गया, वही बाबा है। किसी को भी तेरी बनावटी कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये सच लगा। मैं एक दिन पीछा कर रही थी तो मुझे धुआं सा महसूस हुआ था, और ये भी कि ड्राइवर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन किसी से तो कर रहा था। मैं ये सब कुछ देख नहीं सकती थी तो मुझे पता नहीं चल सका, और मुझे सच में उस बिस्कुट से चक्कर आते थे। देखा साहिब, मैं सच कह रहा था ना? सब ड्राइवर की तरफ हैरान होकर देखने लगे। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आ रहा है। अचानक से किसी ने मुझे कस के पकड़ लिया और कहने लगा, हिलना मत वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये आवाज़ रवि अंकल की थी, जिन्होंने शायद मेरे सर पर बंदूक रखी थी। घर के सब लोग डर के मारे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार क्या हो रहा है। जो आवाज़ आ रही थी वह सिर्फ रवि अंकल की थी। हाँ, मैं था जो तुम्हारा नुकसान चाहता था, क्योंकि नहीं करना चाहिए ऐसे। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने भी बिना हमसे पूछे इतना बड़ा तुम्हें घर दे दिया। ये घर मेरा था और मैं चाहता था यहाँ पर रहना, पर तुमने बड़ी होशियारी से ये घर ले लिया। फिर तुझे क्या लगा? इसलिए तो मैंने तेरी बेटी को मारना चाहा था। फिर मुझे लगा कि तू इसका इलाज करवा रहा है। मैं तेरे ड्राइवर को फुसला कर उसको नशे की दवाई बिस्कुट में खिलवाता था, वह कुछ ही दिनों में अपने ही आप मर जाती। रवि अंकल बोले जा रहे थे, मेरा तो सपना था कि घर ना मिला तो क्या हुआ, तुझे बर्बाद करके ही रहूँगा, तेरा नुकसान तो कर सकता हूँ ना। फिर तेरा या तेरी बेटी का बेवकूफ़ ड्राइवर अच्छा मौका कहाँ मिलता है? रवि अंकल मेरी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे थे और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया तो मुझे भी महसूस हुआ और मैं थोड़े आगे को हो गई। बस बेबी जी के बारे में तूने एक शब्द भी, जोर से नीचे किसी की गिरने की आवाज़ आई। रोती हुई मम्मी और बहन भाई मुझसे लिपट गए और नीचे सीढ़ियों पर भागने की आवाज़ आई। क्या हुआ मम्मी? मैंने बड़ी परेशानी से कहा, बेटा ड्राइवर अंकल ने रवि अंकल को नीचे धक्का दे दिया है और अभी पापा बाहर गए हैं पकड़ने। रवि अंकल को इतने में पुलिस भी कॉल कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गई थी और रवि अंकल को ले गई। अब जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार पापा की रोने की आवाज़ थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम्हें थप्पड़ मार दिया, गरीब हो लेकिन तुमने फिर भी मेरी बेटी की इतनी मदद की, पापा ने भीगी भीगी आवाज़ में कहा। मुझे लगा था कि शायद मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। अंकल मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपके लिए कितना गलत सोचा, मैंने बड़े दुख भरे अंदाज में कहा। अरे बेबी जी, आप दोनों मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ कुछ देर के बाद ठीक हो गया। सब अपने अपने कामों के लिए चले गए। ड्राइवर अंकल, आप भी मुझे बिस्कुट खिलाते थे, लेकिन ना सर में दर्द होता था और ना ही मेरा सर भारी होता था। हम ना जाने क्यों किसी को जाने बगैर ही उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये सोचे बगैर कि सामने वाले की नीयत अच्छी भी हो सकती है। और गरीब का दिल कितना बड़ा होता है, ना कि अमीर की तरह जो इतनी ज़्यादा धोखेबाजी करने के बावजूद भी एक जायदाद के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ड्राइवर सही किया था? कैसी लगी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।